हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का थर्ड चैप्टर देखेंगे जो कि है हमारा राजास ड्रीम। राजास ड्रीम हेडिंग है इस चैप्टर का, जिसका जो मतलब निकल के आ रहा है वो है राजा का स्वप्न। इस चैप्टर का वार्मर है, हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शंस विथ रियलिटी। इसका मतलब हुआ कि क्या आप कभी कोई अजीब फनी सा स्वप्न देखे हैं, और शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, अगर हाँ देखे हैं तो अपनी क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें। टेल देम इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी, और उन्हें बताइए कि उस स्वप्न का कुछ रियलिटी से जुड़ा हुआ कुछ है। चलिए चैप्टर में देखते हैं। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग डैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरी वन अपीयर लाइक अ फूल। मतलब हुआ कि राजा कृष्णचंद जो हैं वो प्रायः क्या करते थे, हर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग डैट, अपने कोर्टियर्स को कंप्लेन करते हुए सुनते थे कि गोपाल जो है वो लव टू मेक एवरी वन अपीयर लाइक अ फूल, सभी व्यक्ति को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करता है। देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल बट ऑलवेज एंड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। यहाँ पे क्या हुआ कि उस कोर्ट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो गोपाल को, उल्टा गोपाल को ही मूर्ख बनाने की कोशिश किया, लेकिन सभी क्या हो गए, स्वतः खुद मूर्ख बन गए। द राजा न्यू डैट, राजा को मालूम हुआ कि दिस वॉज ट्रू, यह सच बात है कि गोपाल सभी को मूर्ख बना देता है। इट ऑफन रैंक्ड हिम डैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। यहाँ पे क्या बता रहा है कि राजा न्यू डैट दिस वॉज ट्रू, कि यह सच है कि गोपाल सभी को मूर्ख बनाता है। इट ऑफन रैंक्ड हिम दैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा प्रायः सुनता था कि गोपाल जो है वो सभी व्यक्ति को प्रायः मूर्ख बनाता है, और उसके कोर्ट में जितने भी व्यक्ति थे वे सभी गोपाल को मूर्ख साबित करने की कोशिश किए, लेकिन वे उसमें असफल हो गए और खुद ही मूर्ख साबित हो जाते थे। जब राजा को इस बात का पता चला कि यह सच बात है, तो वे भी गोपाल का मजाक बनाकर खुद को अम्यूज करने की निर्णय लिए, मतलब गोपाल का मजाक बनाकर खुद भी आनंद लेने की निर्णय लेते हैं। अगले पैराग्राफ में है, आह गोपाल आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, मतलब अब राजा बोल रहे हैं, राजा कृष्णचंद्र, मतलब मुझे एक अजीब सा स्वप्न आया। अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सून एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट एंड एवरी वन फेल इन टू इन ऑर्डर टू लिसन द किंग्स ड्रीम। राजा बोलते हैं, राजा कृष्णचंद्र बोलते हैं कि गोपाल मुझे एक अजीब सा सपना आया, और ये अगले दिन ही सुबह में अपने कोर्ट में राजा अनाउंस करते हैं। ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और सभी जो व्यक्ति राजा के कोर्ट में थे वे गोपाल राजा के ड्रीम को सुनने के लिए व्याकुल थे। आई ड्रीम्ड गोपाल डैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर टू पूल्स। यहाँ पे बता रहे हैं राजा कृष्णचंद्र, आई ड्रीम्ड, मैंने स्वप्न देखा कि देयर वर टू पूल्स, दो पूल थे, वी वर गोइंग फॉर अ वॉक, हम लोग टहल रहे थे, वी रीच्ड अ पैलेस, और एक ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ दो पूल था। मतलब राजा कृष्णचंद्र यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग टहल रहे थे स्वप्न में, और टहलते दो ऐसे जगह पे पहुँच गए जहाँ दो पूल थे। आगे हैं, वन ऑफ द पूल्स वॉज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड
द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। अब यहाँ पे बता रहा है कि वो जो दो पुल था उसमें दोनों पुल में से पहला जो पुल था उसमें क्या भरा हुआ था, खीर भरा हुआ था जो मिल्क से बना हुआ था। एंड और अदर जो सेकेंड पुल था वो हॉरिबली स्मेली डंग, वो दूसरा जो पुल था वो बहुत गंदी स्मेल वाली गोबर से भरे हुई थी। सडनली आई फेल इन टू द मिल्की पूल एंड यू इन टू रोटिंग मक। अब यहाँ पे बता रहे हैं राजा कि सडनली अचानक से हुआ क्या कि आई फेल इन टू द मिल्की पूल, मैं उस दूध वाले पूल में, मतलब खीर, दूध से जो खीर बना हुआ था उस खीर वाले पूल में गिर गया। एंड यू इन टू रोटिंग मक, और तुम उस गंदगी वाले मक, मतलब गोबर टाइप का, उस गंदे कीचड़ में, गंदे गोबर वाले पूल में गिर गए। आगे यहाँ पे बता रहा है कि ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद द कोर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग। ब्रस्ट आउट मतलब होता है मतलब द कोर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, मतलब यह सुनते ही कोर्ट में जितने भी व्यक्ति थे वे सारे ठहाका मार के हंसने लगे। दे ऑब्वियसली रिलीज्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टॉय इन मक। उन लोगों को ऐसा भरोसा हो गया, वो जो मजाक का पार्ट बना है गोपाल, उसका सर से लेके पांव तक गोबर में ढक गया है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि गोपाल स्टूड अनरफल्ड, गोपाल बिना कुछ जवाब दिए वहाँ पे खड़ा था। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, सभी का हंसी समाप्त होने की इंतजार में वहाँ पे खड़ा था। एंड देन सरप्राइज एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। और जैसे ही सभी चुप हो गए, गोपाल क्या बताता है कि उसे भी सेम वही स्वप्न आया जो राजा कृष्णचंद्र को आया है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है द किंग लुक्ड क्वेश्चनली एट गोपाल एंड आस्क्ड यू मीन एवरीथिंग हैपन इन योर ड्रीम हैप जस्ट द वे दे हैपन इन माइन। यहाँ पे बता रहा है कि गोपाल से पूछ रहे हैं राजा कि तुम्हारा मतलब है जो कुछ भी मेरे स्वप्न में हुआ वो सारा चीज़ तुम्हारे स्वप्न में भी हुआ। अब आगे है, यस महाराज रिप्लाइड गोपाल। गोपाल जवाब देता है, हाँ महाराज जी, वे सारे चीज़ मेरे स्वप्न में भी हुए। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटल लॉन्गर। यहाँ बता रहे हैं गोपाल कि महाराज जो कुछ भी आपके स्वप्न में हुआ था एग्जैक्टली सेम वही चीज़ मेरे भी स्वप्न में हुआ, लेकिन बस अंतर जो है वो आपका स्वप्न पहले ही समाप्त हो गया और मेरा स्वप्न थोड़ा लेट तक चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने देखा स्वप्न में कि हम दोनों उस पूल से बाहर आ रहे हैं। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक, मतलब आप खीर से कवर हो चुके हैं और मैं मक से पूरी तरह से ढक गया हूँ। एंड और देन आई सॉ डैट यू वर लीकिंग मी एंड आई वॉज लीकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन इच अदर। तब मैंने देखा आप मुझे साफ करने के क्रम में चाट रहे थे और मैं आपको साफ करने के क्रम में चाट रहा था। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड वेन दे हर्ड दिस बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरी वन द किंग वॉज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटल, इन फैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स विट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी दरबारी थे, दरबारीगण, वे सारे क्या हो गए, चुप हो गए अचानक से। वेन दे हर्ड दिस, जब वे गोपाल की बातों को सुने, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, फॉर एवरी वन सभी के लिए, द किंग वॉज इन अ गुड मूड, जो राजा था वो एक अच्छे मूड में था, इसलिए डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटल। वह राजा अपनी मजाकिया पार्ट को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ, इन फैक्ट बल्कि ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स विट, और गोपाल की बुद्धिमानी पे वे राजा खुद भी हंसे।
अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर करना है तो आप कमेंट कीजिए, हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।